यस, मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है। और हाल ही में मुझे माय 11 सर्कल ऐप नाम का एक बेहतरीन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप मिला, जहां पर आप बड़े बड़े पैजेस जीतने के लिए अपने क्रिकेट नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। माय 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको दोनों विरोधी टीमों में से अपने 11 खिलाड़ियों को चुन लेना है और अपनी टीम बना लेना है। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर हम सच में पीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, सैम वॉटसन और राशिद खान जैसे चैंपियंस क्रिकेटरों के साथ खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। खास करके मेरे व्यूअर्स को फर्स्ट डिपोजिट पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। आपका जीता हुआ पैसा सीधे आपके खाते में विड्रॉल कर दिया जाएगा। माय 11 सर्कल वास्तव में बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर ऐप है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ विजेता ऐसे भी हैं जो कि माय 11 सर्कल पर हाल ही में करोड़पति बने हैं, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। Welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. PSL 2021 का 17वां मुकाबला पेशवार जालमी और लाहौर कलंदर के बीच में खेला जाएगा। शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में ये मुकाबला खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार रात के 11:30 बजे से शुरू होगा। डबल हेडर है, यानी कि ये दूसरा मुकाबला है दिन का। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस मैच का प्रेडिक्शन एंड प्रीव्यू। आपको बताएंगे कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। पिच रिपोर्ट, पास्ट रिकॉर्ड, प्लेइंग 11 के साथ साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फैंटसी टीम भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है। पिछले 3 वीडियो जो इस PSL में मैंने बनाई है वो 3 पैटर्न में बनाई है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद आया? क्या आपको ये वाला पसंद आ रहा है, या फिर आपको पिछला वाला आ रहा है, या फिर उससे पिछला वाला पसंद आ रहा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी ज़्यादा मत होगा उसी टाइप की वीडियोस उसी फॉर्मेट में मैं बनाऊंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तीनों वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की। तो ये जो मुकाबला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाने वाला है और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला मुकाबला भी सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो IPL खेला गया था उसमें भी यही हाल रहा था। तो दूसरी पारी में बैटिंग करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कोरिंग पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। 150 से 170 के बीच 13 बार सर्वाधिक स्कोर बने हैं और 150 से नीचे 11 बार। तो इस मैच में भी मुझे उम्मीद है कि 150 के आसपास का ही स्कोर बनेगा। उसके अलावा हम अगर बात करें इनके भी, इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो 11 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं। लाहौर कलंदर की टीम 3 मैच जीती है और पेशवार जालमी की टीम 8 मैच जीती है। और रिसेंट फॉर्म इन दोनों टीमों का देखा जाए तो लाहौर कलंदर 4 जीती है 1 हारी है पिछले 5 मैचों में से। पेशवार जालमी पिछले 5 मैचों में 3 जीती है 2 हारी है। लास्ट 5 हेड टू हेड ओवरव्यूज़ की बात की जाए तो 2021 के में एक मुकाबला खेला गया था, लाहौर कलंदर ने 4 विकेट से जीता था। 14 नवंबर 2020 को जो मुकाबला खेला गया था वो भी लाहौर कलंदर ने 5 विकेट से जीता था, चेस करते हुए दोनों मैच जीते थे। 10 मार्च 2020 को जो मुकाबला खेला गया था 5 विकेट से, वो भी लाहौर कलंदर ने जीता था। यानी कि इस टीम के खिलाफ जब भी कभी लाहौर कलंदर चेस करती है तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 27 फरवरी 2020 को पेशवार जालमी 16 रन से जीती थी। उससे पहले 8 मार्च 2018 को दुबई में मुकाबला खेला गया था, पेशवार जालमी 4 विकेट से जीती थी। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में 3 मैच लाहौर जीती है, 2 मैच पेशवार जालमी जीती है। पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर है पेशवार जालमी, 5 मैचों में 3 जीती है 2 हारी है, 6 पॉइंट्स हैं। वहीं लाहौर कलंदर की टीम 5 मैचों में 4 जीती है 1 हारी है, 8 पॉइंट्स है। पहले नंबर पर है लाहौर कलंदर की टीम। प्लेइंग 11 इस कदर हो सकती है, देखो यार प्लेइंग 11 का कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि PSL दोबारा से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है कि कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। वैसे हमने जो प्लेइंग 11 बताई थी आपको, जो भी हम प्लेइंग 11 बता रहे हैं और उसके अनुसार प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी फैंटेसी टीम में, वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो प्लेइंग 11 आपको दिया था सिलेक्ट करके फैंटेसी टीम के लिए, माय 11 सर्कल टीम के लिए, उसके सारे प्लेयर लगभग 99.99% जो है वो खेलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनमें से कोई प्लेयर जो है मिसिंग है। तो 99.99% जो है जो भी हम प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं माय 11 सर्कल के लिए वो प्लेइंग 11 में होते हैं, टॉस के बाद हमें जब पता चलता है। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11, जहां पर आप देख सकते हैं कि आखिरी मुकाबला लाहौर कलंदर की टीम जो है जीत कर आ रही है। फखार जमान ने कुछ खास स्कोर नहीं किया था, 9 रन बनाए थे। सुहेल अख्तर कप्तान एक बार फिर से अच्छे फॉर्म में दिखे, 40 रन बनाए। और उसके अलावा हाफिज़ 29 रन बनाए, अच्छे टच में दिखे। टीम डेविड, इस टीम के पास एक बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है जो कि 6 नंबर 7 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है, बड़ी पारियां खेलने के साथ साथ हिटिंग भी कर सकता है। तो टीम डेविड को टीम में लाकर लाहौर कलंदर ने अपनी बैटिंग को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना लिया है। और बैन डंक जो है
पिछले बार जो PSL खेला जा रहा था, ये जो बीच में गैप मिला उसमें काफ़ी इम्प्रूव किया अपने आप को और अच्छे लय में दिखे थे। 17 रन भले ही बनाए थे लेकिन बहुत ही अच्छे टच में नज़र आ रहे थे पिछली बार की तुलना में। राशिद खान अच्छे लय में हैं, बल्लेबाजी भी करते ही हैं जब मौका मिलता है, साथ ही साथ गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। जेम्स फॉकनर ने सबको सरप्राइज कर दिया, 3 विकेट लिया और इसकी जो है एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं थी जेम्स फॉकनर की कि इतना अच्छा खेल जाएंगे। डैनियल जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरू से ही 2 विकेट फिर से लिया था। शाहीन अफरीदी 1 विकेट और हरीश रऊफ 2 विकेट, यानी कि गेंदबाजी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है इस वक्त। लाहौर कलंदर की बल्लेबाजी को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और वो तो हो ही जाएगा क्योंकि फ़खर जमान, मोहम्मद हाफिज़ और टीम डेविड जैसे जिसके पास बल्लेबाज हों उस टीम की बल्लेबाजी ऐसे ही मजबूत हो जाती है। बात करें पेशवार जालमी की तो इनकी भी टीम जो है काफ़ी संतुलित आपको दिखाई दे रही है, गेंदबाजी इनकी काफ़ी मजबूत है। वहाब रियाज जैसे खिलाड़ी हैं इनके पास जो कि इस PSL में 4 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं। महमूद जैसे खिलाड़ी जो कि 5 पारियों में 12 विकेट ले चुके हैं इस PSL में, और मुजीबुर रहमान भी है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है मुजीबुर रहमान। तो इनकी गेंदबाजी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रही है, 3 बेहतरीन गेंदबाज इनके पास मौजूद है, साथ ही साथ मोहम्मद इरफान भी है। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग है इनके पास लेकिन कुछ खास फॉर्म में इस PSL के दौरान नहीं दिखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो गैप मिला है इसमें इन्होंने अपने बैटिंग पर काम किया होगा। रवि वोपारा, स्वैब मलिक जैसे 2 तुड़ुक के इक्के हैं इनके पास, जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ जो है ये किसी भी मैच को बदलने की क्षमता रखते हैं दोनों ही खिलाड़ी, लेकिन इस PSL के दौरान ये फॉर्म में नहीं दिखे हैं। ना ही कमरान अकमल फॉर्म में दिखे हैं, ना ही जो है कैडमोरे फॉर्म में दिखे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी खिलाड़ी इनका 150 से ज़्यादा रन नहीं बनाया है, 100 के आसपास ही है, मतलब कि कुछ खास जो है फॉर्म इनका बल्लेबाजी में नहीं देखने को मिला है। लेकिन उम्मीद है कि अपनी कमियों और खामियों पर इन्होंने काम किया होगा और अब वापसी करेंगे, और साथ ही साथ इनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो पेशवार जालमी के गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। वहाब रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बेन डंग को 3 बार आउट कर चुके हैं, फ़खर जमन को 2 बार आउट कर चुके हैं, सलमान को 2 बार आउट कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि वेस्ट को 2 बार आउट कर चुके हैं। इस टीम के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं वहाब रियाज, इरफान हफीज़ को 2 बार आउट कर चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बात कीजिए अगर पेशवार जालमी के खिलाड़ियों की लाहौर कलंदर के खिलाफ प्रदर्शन की, तो आप देख सकते हैं कि पटेल जो है स्वैब मलिक को 2 बार आउट कर चुके हैं, लियम लिविंगस्टोन को पटेल 3 बार आउट कर चुके हैं, कमरान अकमल को अफरीदी 2 बार आउट कर चुके हैं, और बोपारा को राशिद खान 2 बार आउट कर चुके हैं। मतलब राशिद खान काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं इस टीम के खिलाफ, तो आप जो है राशिद खान को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। फ़खर जमान का एवरेज कुछ खास नहीं है इस टीम के खिलाफ और पहले मैच में अच्छे फॉर्म में भी नहीं दिखे थे, लेकिन इनको अपनी टीम में शामिल करना है क्योंकि मुझे जहां तक लगता है किस मैच में इनका फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। मोहम्मद हाफिज़ 4 पारियों में 112 रन बनाए हैं इस टीम के खिलाफ, एवरेज 56 का है, तो आप देख सकते हैं ये क्या प्रदर्शन करते हैं हाफिज़ जो है इस टीम के खिलाफ। शाहीन अफरीदी 7 पारियों में 13 विकेट लिए हैं, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका, इनको भी अपनी टीम में शामिल जरूर करना। हरीश रऊफ 4 पारियों में 3 विकेट ही सिर्फ ले पाए इस टीम के खिलाफ। बेन डंग 5 पारियों में 67, बहुत ही बेकार रिकॉर्ड है लेकिन अपने रिकॉर्ड को सुधारने की क्षमता रखते हैं, अच्छे टच में हैं। कमरान अकमल लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है 10 पारियों में 277 रन बनाए हैं, अच्छा रन करते हैं, अच्छा रिकॉर्ड है। वहीं शोएब मलिक का 10 पारियों में 272 रन का बेहतरीन रिकॉर्ड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं रदरफोर्ड 2 पारियों में 26 रन बनाए हैं और अमाद बट 4 पारियों में 103 रन बनाए हैं। तो ये है स्टैट्स, अब बात कर लेते हैं आज के हमारे फैंटसी टीम की। कैलकुलेट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया, माई 11 सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम हमेशा की तरह, जहाँ पर आप 1500 रुपये का बोनस पा सकते हो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके, साथ ही साथ 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी फर्स्ट डिपॉजिट पर मेरे व्यूअर्स को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करना। ये जो मैं टीम बताने जा रहा हूँ ये फाइनल टीम नहीं है, अपडेटेड टीम टेलीग्राम पर आएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और फेक चैनल्स को ज्वाइन मत करना। साथ साथ ग्रैंड लीग की टीम भी वहीं पर आएगी, ये जो टीम है एक हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग की टीम कह सकते हैं, और इनमें से भी कुछ प्लेयर्स को आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। बाकी अपडेटेड ग्रैंड लीग की टीम जो है वो टेलीग्राम पर आएगी। सबसे पहले विकेट कीपर लेना है, तो हमने कमरान अकमल को लिया है, बेन डंग को नहीं लिया है। उसके अलावा 4 बल्लेबाजों के साथ हम जा रहे हैं, फ़खर जमान, हैदर अली, शेफरन रदरफोर्ड, उसके अलावा सोहेल अख्तर के साथ हम जा रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पर 2 बल्लेबाज लिया है लाहौर से और 2 बल्लेबाज लिया है पेशवार से। उसके अलावा 3
ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, लाहौर कलंदर पेशवार जालमी और लाहौर कलंदर से एक जो है ऑलराउंडर को लिया है। यहाँ पर मोहम्मद हाफिज़ को लिया है, शोएब मलिक को लिया, जेम्स फॉकनर को लिया हुआ है। बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी, वहाब रियाज और राशिद खान के साथ हम जा रहे हैं। उसके अलावा हरीश राउफ भी आपके पास ऑप्शन में मिल जाते हैं, आप चाहो तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन मोहम्मद हाफिज़ एक बार फिर से हमने बनाया है, वाइस कैप्टन यहाँ पर रदरफोर्ड को बनाया है, कैप्टन आप चाहो तो यहाँ पर शोएब मलिक को भी बना सकते हो। और रबी बोपारा के बारे में जो भी अपडेट होगी वो मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो देख लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, तो मेरे अनुसार ये जो मुकाबला है पेशवार जालमी की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि पेशवार जालमी की टीम ये मुकाबला जीत सकती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि एक बार फिर से लाहौर कलंदर की टीम ये मैच जीत सकती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैक टू बैक चार मैचेस अगर लाहौर की टीम इनके खिलाफ जीत सकती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो पिछली 3 वीडियोज़ हैं उनमें से कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगा आप ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।